रखो जनता, आखिर महल अच्छे दिनों का धीरे धीरे बनता। नहीं नहीं, इस बार हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, महंगाई रोक देंगे, गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। रोजी रोटी हुजूर, मैंने अपना हाथ पसारा, उसने दिया चमकता नारा, देखी नहीं जिगर की चोट, देखा केवल मेरा वो। अरे जीत गया भाई जीत गया, पैसे वाला जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, डंडे वाला जीत गया, ईवीएम को करके है बिना वोट के जीत गया। जनता भूख लगी है? अरे भूख लगे तो गाना गा, 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 ये सरकार बनी है पैरी, खूंगी इसकी सभी कचहरी। तेरे लिए 3 कृषि कानून लाए, पर इन विरोधियों ने उसमें भी आंदोलन शुरू कर दिए। कृपा करिए जनाब, कृपा करिए, हमें आप भी जाओगे सदा सुखी रहो, अंदर नहीं जाना होगा, फेस करना पड़ेगा भाई, पूतो ना हो पर पूतो मत फलो। आयुष्मान आयुष्मान, उठो जनता उठो, दूर डांगर मर गए सब, अभी ऊपर ही करेंगे, पहले मैं वीरों की क्या कहना, इस पर बैठ और बनिया जो बचेगा ऊपर प्याज लगान, पालक भूखे मरे हमारे, हम कुछ कर ना पाए, ऐसी हालत धीरज रखो जनता, आखिर महल अच्छे दिनों का धीरे धीरे बनता, जिंदगी और मौत अपने हाथ की बात नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ की बात है। भूखी हो सरकार तो भूखी रहो, मेरा मतलब खुशी खुशी, अरे कल के सुख के लिए आज कुर्बानी देनी होती है जनता, तुम्हें याद नहीं जनता, अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के लिए गांधी जी अक्सर महीनों लंबी भूख हड़ताल किया करते भाई। थे लेकिन अब किससे आजादी हासिल करती है सरकार, हमारे तो पुरखे भी भूख कहते मर गए और हम भी मर जाएंगे, हमें भूख से आजादी कब मिलेगी सरकार, कब मिलेगी? नहीं नहीं, आदर से बात करिए, जनता के साथ उचित व्यवहार करिए। हाँ तो जनता, हम कह रहे थे जवाहरलाल, महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, लाना ढिमकाना आदि इत्यादि, ना जाने कितने लोगों ने देश आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और तुम हो कि जरा सी बात पर दिल छोटा किए बैठी हो। अरे दिल तो हमारा भी बहुत बड़ा है हुजूर, तभी तो सब सही जाते हैं और उफ तक नहीं करते, और देशों की जनता अपने देश के लिए सर तक कटा देती है। यही बात है तो लीजिए हुजूर, यह सर भी उतार लीजिए। अरे अरे, तुम कितनी महान हो जनता, आओ अपनी सरकार के गले लग जाओ। आप बहुत अच्छी है सरकार, आप बहुत अच्छी है, आओ आप महान हो सरकार, वरना हम गरीबों की कौन सुनता है हुजूर। अब उठ भी जाओ, बहुत हो चुका है, चल उठ। हुजूर बेकारी, बेगार, महंगाई, गुंडागर्दी, बीमारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुजूर, कभी सूखा कभी बाढ़, इस तरह तो हम बेमौत मारी जाएंगे सरकार। नहीं नहीं, बेमौत नहीं मरने देगी जनता, थोड़े दिन की है परेशानी, भोगो ना करो आनाकानी, मरने की बात करो ना शर्म, जिंदा है तुम्हारे दम से हम। जनता तुम मर गई अगर तो मर जाएगा वतन भी, मर जाएगी बहारे, मर जाएगा चमन भी, मर जाएंगे सितारे, मर जाएगा गगन भी, मर जाएगी मोहब्बत, मर जाएगा अमन भी। तो हुजूर अब कुछ रोजी रोटी का इंतजाम भी कर दीजिए, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है जनता। अरे छोड़ो हुजूर पूरी उरी, आप तो बस सूखी दाल रोटी का इंतजाम कर दो हुजूर। ठीक है, अगले महीने चुनाव है ना, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें रोटी देंगे। सब यही बात कहते हैं हुजूर, बाद में सब भूल जाते हैं। नहीं नहीं, इस बार हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, महंगाई रोक देंगे, गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे, अरे किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे।
सबको एक एक फर्स्ट क्लास घर और ब्याह के लिए एक एक फर्स्ट क्लास बहु। नहीं नहीं, मेरा मतलब ब्याह और खेती के लिए बिना ब्याज का कर्ज हम देंगे। बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा। तो तुम्हें हमारा चुनाव चिन्ह तो याद है ना? अरे वोट दो अरे वोट दो भाई, वोट दो पैसे वाले को, वोट दो भाई, वोट दो पैसे वाले को, वोट दो भाई, वोट दो झूठे वाले को, वोट दो। अरे जीत गया भाई, जीत गया पैसे वाला, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया ठंडे वाला, जीत गया ईवीएम को करके है बिना वोट के, जीत गया। अरे एक चोरी जेल में, बाकी जनता जेल में। जनता वोट दो, ठोक दो इस कुत्ती कमीनी जालिम सरकार को, ठोक दो। इसने रेल हड़ताल में मेरा भाई मार डाला, कच्चा चबा गई ये कुत्ती सरकार। पागल तेरी तो क्या है बे सरकारी कुत्ता? देख जनता, तुझे तरह तरह के लोग आकर बहकाएंगे, लेकिन तू इनके बहकावे में मत आना। अरे हमने तेरे लिए नोटबंदी की, पर इन विरोधियों ने उसे फेल कर दिया। तेरे लिए 3 कृषि कानून लाए, पर इन विरोधियों ने उसमें भी आंदोलन शुरू कर दिए। अरे तेरे लिए 1 देश 1 टैक्स बनाया, पर वो इन विरोधियों की अकल में नहीं आया। यहाँ तक की जनता, हमने तुम्हें अनेकों प्रेम पत्र लिखे, पर ये कंबक उसे भी बीच में ही उड़ा ले गए। अभी तुम्हारी इज्जत तो कायम है ना? याद रख, ये हमारी बदौलत कायम है। इन विरोधियों का बस चले तो ये कब का इसे उतार ले। मैंने जो कुछ भी किया है जनता, सब तेरे भले के लिए, सब तेरे भले के लिए। जनता जनता सब तेरे भले के लिए किया इसने, सब तेरे भले के लिए। ये लाखों के कपड़े, हजारों का चश्मा, हवाई जहाज, ये कोठी, ये जितनी चीजें जुटाई इसने, सब तेरे भले के लिए। जनता सब तेरे भले के लिए। अरे ये देश पूंजीपति अंबानी अडानी जैसे लोगों के हाथों बेच दिया, सब तेरे भले के लिए। जनता सब तेरे भले के लिए। अरे बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई बढ़ाई, सब तेरे भले के लिए। जनता सब तेरे भले के लिए। तुझे जेल भेजेगा, तुझ पे डंडे चलवाएगा, वोटर कैनन से पानी की बौछार करवाएगा, सब तेरे भले के लिए। जनता सब तेरे भले के लिए। अरे इतने कानून, UAPA, CAA, NRC, फलाना ढिमकाना, 3 कृषि कानून, जो काले कानून, सब तेरे भले के लिए। जनता सब तेरे भले के लिए। और ऊपर से ये तानाशाही दर्ज, सब तेरे भले के लिए। जनता सब तेरे भले के लिए। पुलिस जी हाँ, मेहरबान कदरदान, क्या हुक्म है मेरे आका? किसका निकालू कचूमर, किसका बिगाड़ू खाका? इस पागल पर रखी जाए नजर कड़ी, इसके पीछे हमको साजिश लगती है कोई बड़ी। कमबख्त हमारी जनता को भड़काता है, कोई विदेशी एजेंट नजर आता है। मैं जानता हूँ जरूर ये पागल यार है अपनी माँ का, UAPA रासुका आसुका, मैं कर दूंगा से अंदर, न रहेगी फिक्र न रहेगा फाका। चल अच्छा तो जनता, अब हम चलते हैं। हुजूर, कुछ रोजी रोटी हुजूर। तुम्हें हमारा चुनाव चिन्ह तो याद है ना? हुजूर, रोजी रोटी हुजूर। मैंने अपना हाथ पसारा, उसने दिया चमकता नारा, देखी नहीं जिगर की चोट, देखा केवल मेरा वोट। वोट वोट माने रोटी, तेरी सास मोटी, वोट माने रोटी, तेरी अम्मा खोटी, वोट माने कुर्सी, वोट माने राज, वोट माने सत्ता, वोट माने ताज, वोट माने ठगा गया फिर 5 बरस को और, वोट माने लूट का पट्टा 5 बरस को और। जनता हाँ, भूख लगी है हाँ। अरे भूख लगे तो गाना गा, भूख लगे तो गाना गा, भूख लगे तो
गाना गा, भूख लगे तो गाना गाओ। ये सरकार बनी है बैरी खूंगी इसकी सभी कचहरी, ये सरकार बनी है बैरी खूंगी इसकी सभी कचहरी। पर्दे फट जाए कान के इसके ऐसा गाना गा। अरे भूख लगे तो गाना गा, भूख लगे तो गाना गा, भूख लगे तो गाना गा, भूख लगे तो गाना गा। इस सरकार की चमड़ी मोटी, सरकार की चमड़ी मोटी, सेठों से फिर इसकी गोटी। इस सरकार की चमड़ी मोटी, सेठों से फिर इसकी गोटी। सर्द पसीने छूटे इसके ऐसा गाना गा। जनता तू गाना गा, जनता तू गाना गा, भूख लगे तो गाना गा, भूख लगे तो गाना गा। सरकार बनी है बड़ी गूंगी इसकी सभी कचहरी, पड़े पड़ जाए कान के इसके ऐसा गाना गा, भूख लगे तो गाना गा। अरे पागल, गाने से भी कहीं पेट भरता है? बिल्कुल सही बात, पेट भरता है काम से, और काम करना पड़ता है मेहनत से। अगर खाना चाहिए तो चल मेरे साथ, खाना दूंगा मगर काम लूंगा। रोटी देंगे हुजूर, रोटी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए हम आपके साथ चलेंगे, जो काम बताएंगे वो काम करेंगे, काम में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो कहे तो पर्वत को उठा के इधर से उधर धर दूं, नदियों की दिशा बदल दूं, धरती का सीना चीर कर हीरे मोती उठा ले, मोहे को सोना और सोने को कुंदन बना दे, बस रोटी मिल जाए हुजूर, रोटी हुजूर, रोटी। हाँ हाँ चलो मेरे साथ। भाई ये देगा तुझे रोटी। ये निकालेगा तेरा तेल, तेल से अपनी टोंग पे करेगा मालिश, काम लेगा लेकिन रोटी नहीं देगा जनता, रोटी नहीं देगा। अरे पागल, तू यहाँ भी आ गया, तुझे कुछ काम वाम नहीं है क्या? क्यों, ये देश तेरा बाप का है क्या? अभी बताता हूँ किसका है। जिया मेहरबान कदरदान, क्या हूँ मैं मेरे आका, किसका निकालू कचुमर, किसका बिगाड़ू पापा। अरे पागल को बंद कर दो। चल बे सरकारी ठुल्ले, पता चला देश किसका है? आपका अन्नदाता। और पुलिस किसकी है? आपकी माई बाप। तब तो काम करेगी जनता, रोटी मिलेगी ना हुजूर? अरे हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी, चलो मेरे साथ। चलिए हुजूर। देख ये है अपना कारखाना। वो तो आप कारखाने के मालिक है हुजूर, अंबानी अडानी तुम्हें काम करना है, चलो काम करो। अरे ऐसे नहीं चलता, प्यार से मशीन की ताल के साथ, मशीन की लय के साथ, धीरे धीरे। अरे भाभी बता देंगे। अरे जनता तुम ये बाबा बाबा बहन के बताया करो, और सुनो अब काम करो, ध्यान रखो हमारा उसूल है कठोर परिश्रम कड़ा अनुशासन। पीड़ा होती है जनता, तो पीड़ा सहने का अभ्यास करो, इसी में सदगति है। अरे भाई सारे धर्मों का यही सार है, परिश्रमी बनो जनता, परिश्रमी बनो, संतोष करो, भगवान से डरो, भाग्य पर भरोसा रखो। खाना दो। अरे खाना भी मिलेगा। तुम जो इतनी दुखी हो, दरिद्र हो, अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण, मैं जो इतना सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, तो अपने पुण्यों के कारण। अरे तुमने वो नहीं सुना जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम किए जा फल की इच्छा मत कर। अरे काम तो करो, काम किए जा फल की इच्छा मत रख। धन दौलत दौलत के प्रारंभ ऐसा जनता ने मेहनत की, उससे दौलत पैदा हुई, और ये तोंदुमल लगाया उसे लूटने। अरे मेहनत जनता की और दौलत तोंदुमल की। ए तोंदुमल, खड़ा हो, खड़ा इधर आ, इधर आ। क्यों जनता की कमाई पर हाथ मार रहा है? कुछ मेहनत कर, कमा और खा खुद से,
काम करने के कई फायदे होते हैं। ये तेरी तौन छट जाएगी, डायबिटीज नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा और ये तेरा भेजा भी काम करेगा रे। काम कर, काम कर, पुलिस, अरे पुलिस। क्या हुआ मेरे आका, किसका निकालू कचूमर, किसका बिगाड़ू काका। अरे पुलिस देखो इस पागल को, लोगों को काम नहीं करने देती, उत्पादन में अव्यवस्था फैला रही है, पकड़ो इसे और बंद कर दो। पागल भैया रजन हुजूर थक गए, भूख लगी है, रोटी दो, खाकर सोएंगे। रोटी खाएगी? हाँ हुजूर। कितनी? 8। झूठी बात, रोटी मिलेगी 2। अरे तुम कहावत वहावत नहीं सुनते क्या? तुमने वो नहीं सुना, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मतलब जाएगी। अब जितना मिला है उतना खाओ। और दो हुजूर, और दो। और रोटी चाहिए तो और मेहनत कर। हाँ इतना इतना काम, अरे सुबह पाँव फटने से पहले कारखाने में घुसे हैं। तो सांझ हो चुकी है। मेरी बात सुन, रोटी चाहिए तो और काम कर, अब चाहे तो ओवर टाइम कर। हुजूर आपने कहा था काम लूंगा रोटी दूंगा, हमने काम किया है हुजूर, रोटी दो। मैंने रोटी देने का वादा किया था, ये थोड़ी कहा था कि तुम्हें पेट भर रोटी दूंगा। लेकिन हुजूर अब तो भूख के मारे। अगर तू गिर जाता तो मेरा बड़ा मजा आता। ये जनता अपनी मेहनत की कमाई तुझसे छीन लेती और मैं खूब हंसता। अरे तू भाग यहाँ से पागल कहीं का। हुजूर अब तो थककर चूर हो गए हुजूर, हाड़ हाड़ दर्द करने लगा है हुजूर। रोटी दो हुजूर, खाकर सोएंगे, हम भी आराम करेंगे हुजूर। जनता आराम हराम है, जनता आराम हराम है, अब बैठो और काम करो। और तू आराम कर हरामी साले। अरे तू जाता क्यों नहीं यहाँ से? हुजूर आपने कहा था काम लूंगा रोटी दूंगा, रोटी नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो थारी कंटी माला। क्या मतलब तू काम नहीं करेगी जनता? हाँ नहीं करेंगे हम काम, बाप भूखे पेट खाते रहो, किस पर भी रोटी तक नहीं। इसका मतलब तू आंदोलन करेगी जनता? आंदोलन, सड़क जाम, फैक्ट्री बंद, भारत बंद, जनता तू आंदोलन करेगी। इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद हम बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद। पुलिस, अरे पुलिस जब पिट जाऊंगा तभी आएगी क्या? जिया मेहरबान, क्यों करते हो बारंबार परेशान बख्शीश में ये चंद सिक्के और ये जोखिम भरा काम? अरे छोड़ो, जनता हड़ताल कर रही है, काम करने से इनकार करती है, सारा उत्पादन ठप पड़ा है। अरे देश राष्ट्र समाज सारे के सब खतरे में है, ऐसे वक्त में मत करो ऐसी वैसी बात, कर्तव्य का पालन करो और बेटा जी याद रखो अपनी औकात। संभालो इन्हें, कैसा चल रहा है? क्या है कि मुन्नू की माँ कई दिनों से झुमका के लिए कह रही थी। हाँ थोड़े दिन में नेकलेस को भी कहेगी, ये लो ऐश करो और अपने लिए भी कुछ ढंग के कपड़े सिलवा लो। हम सरकार से कहेंगे, आखिर हमने सरकार को वोट दिया है। सरकार 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 सरकार, जनता क्यों चीखी, शांति क्यों भंग हुई, चुनाव के वक्त ये क्या माजरा है? हुजूर ये मुझे मारते हैं हुजूर, दिन रात काम लेते हैं, रोटी तक नहीं देते हुजूर। देखो तो हुजूर इन्होंने हमारी क्या गत बनाई है हुजूर, पुलिस से पिटवाया हुजूर। ठीक है बात करते हैं। हाँ करोड़ी मल जी, क्या मामला है?
अरे क्या मामला क्या नेता जी, बार बार हड़ताल पे हड़ताल, आंदोलन पे आंदोलन। अरे ऐसे उत्पाद कैसे होगा, उत्पादन नहीं होगा तो मुनाफा का खाक होगा, और मुनाफा नहीं होगा तो चुनाव फंड कहाँ से देंगे, और चुनाव फंड नहीं देंगे तो आपकी कुर्सी का क्या होगा नेता, जिस देश का क्या होगा। अरे लेकिन चुनाव के वक्त तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अगर हम हार गए तो हमारा क्या होगा, और हम नहीं रहे तो तुम्हारा क्या होगा। तुम क्या सोचते हो ये विरोधी दल वाले तुम्हारी नैया पार लगा देंगे। अरे तुमने कहा कि निजीकरण बढ़ाओ, तो हमने देश विदेशी कंपनियों के लिए देश के सारे दरवाजे खोल दिए, सारी सरकारी कंपनियां बेच डाली, देश की संप्रभुता और अखंडता को दांव पर लगा दिया। अब चुनाव के वक्त थोड़ा सा ख्याल करिएगा। अरे क्या ख्याल करे, ये जनता पैसे मानने वाली नहीं है, इसकी एकता को तोड़ना होगा, इसे भटकाना होगा नेता जी। अरे बाद में तो हम देख लेंगे, पर आप अभी इसे संभाल लो। हाँ तो जनता क्या बात हुई। हुजूर इसने हमसे वादा किया था काम लूंगा रोटी दूंगा, इसने काम तो हमसे दिल बैठ लिया लेकिन रोटी नहीं दी हुजूर। और हुजूर जब हमने इससे रोटी की मांग की तो इसने हमें पुलिस से पिटवाया हुजूर, इसने हमारी कार उड़वा दी हुजूर, हमारी क्या हालत बनाई इसने हुजूर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे हमारी खाल उतर गई और आपके लिए कोई बात ही नहीं। मेरा मतलब ये ठीक नहीं हुआ जनता, लेकिन तुम्हें भी पागल लोगों की बातों में आकर आंदोलन नहीं करना चाहिए। अरे आंदोलन करना गैर कानूनी है, उसके लिए पहले नोटिस देना होता है। तुम नहीं समझोगी जनता, तुम्हारे साथ हुए इस अन्याय पर हमें ऐसा क्रोध आ रहा है कि हमारी छाती फटी जाती है। ऐसा मन कर रहा है कि इस पूंजीपति और इस पुलिस वाले की ऐसी की तैसी कर दे। तुम हमें चुनाव जीतने दो, उसके बाद हम इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे, तब तक तुम काम करो जनता। हुजूर आप इनसे भी तो कुछ कहिए, आपने तो बस एक ही रट लगा रखी है, काम करो काम करो काम करो। एक आध बार इनसे भी कह दो भर पेट भोजन दो, तन ढकने के लिए कपड़ा दो, रहने के लिए छोटा सा झोपड़ा दो, इज्जत दो, हमें जिंदगी दो हुजूर, हमें जिंदगी दो। सुना करो डिमल जी। अरे हाँ सुन लिया। आ कैसे शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है जनता काम इस बार चुनाव फंड ज्यादा करना पड़ेगा। अरे नेता जी बात है, हम आपके रंग ढंग देख के समझ गए थे, कर देंगे। साथियों नहीं करेंगे हम काम। तू नहीं करोगी काम? अरे बिना काम से कैसे काम चलेगा। हाँ नहीं करेंगे हम काम वाम, हमने सब देख लिया है। ये कोने में जाके क्या खुसुर खुसुर चल रही थी, तुम इससे पैसे ले रहे थे। अरे तुम तो इस पूंजीपति की यार हो, ये सब मिले हुए हैं और अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। अरे तुम पागल हो गई हो जनता। हाँ हम पागल हो गए हैं, इनकी मर्जी मुताबिक जीते रहो तो ठीक, दिन रात भूखे पैसे खर्चे रहो तो ठीक, चुपचाप जुल्म सहते रहो तो ठीक, जो कुछ बोलो न्याय की गुहार करो, हक मांगो तो तुम पागल हो गई हो। बड़े यार हमें पागल कहने वाले। पुलिस 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 अरे पुलिस किया मेहरबान का मेरे आका। अरे जनता पागल हो गई है, संभालो इसको। जनता पागल हो गई है, जनता पागल हो गई है। अरे हम दूसरी जनता चुन लेंगे, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मारो इन्हें, गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। मिलिट्री 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 मर गई जनता। अरे मर जाने दो, हम और जनता चुन लेंगे। अरे हाँ नई जनता चुन लेंगे, हम नई जनता बना लेंगे। मर जाने दो जनता को। अरे कोई एक आदमी का नाम है जनता, देश के 125 करोड़ लोगों का नाम है जनता, किस किस को मारोगे मत भूलो। जुल्म जब हक से गुजरता है तो मिट जाता है, जनता जब विद्रोह पर उतरती है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें धराशायी हो जाती हैं। बड़े आए थे, जनता पागल हो गई है, जनता पागल हो गई है। अरे पागल हो गए तुम, पूंजीपति पुलिस सरमाएदार और तुम्हारी सरकार।
आंख मूंद कर किया था जिनको जान कर, यकीन आंख मूंद कर किया था जिनको जान कर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर, उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी बोलियां, उन्हीं की सरहदों में कैद है दर्द।